Assalamu alaikum guys. This is your instructor Shafahat Khan. And इस lecture में हम scalars and vectors को देखेंगे जो कि आपके MCAT physics की book में chapter 2 है. MCAT physics. अगर आप सिंध बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी चैप्टर 2 है और अगर आप पंजाब बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं उसमें भी चैप्टर 2 है. ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस चैप्टर. अच्छा, इस ट्यूटोरियल में हमें ये तीन पॉइंट्स कवर करने हैं. पहले तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स की डेफिनेशंस एंड उनके डिफरेंसेस, देन उनको अगर हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इस वेक्टर्स को स्पेशली, तो फिर क्या होगा, और इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड्स को. बाकी का चैप्टर अगली वीडियो में कवर करेंगे. ओके, सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. Okay, so first of all, let's define what scalars and vectors are. Chaji, so basically scalars and vectors, agar aapko chapter 1 se yaad ho, physical quantities. Physical quantities ki do broad categories, scalars or vectors hi hai. Theek hai, physical quantity basically is a quantity that can be measured. Okay, any quantity that can be measured is called a physical quantity. Quantity that can be measured. For example, time ho gaya, length ho gaya, temperature ho gaya, mass ho gaya, and current ho gaya, moles ho gaye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and in addition to these, एक सातवीं property भी है, उसे हम कहते हैं intensity of light. ये कुछ examples हैं physical properties की, and इन्हें अगर आपको याद हो, इन्हें कहते हैं fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities, ठीक है? ये सातों के साथ आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, एम कैट के एप्टीट्यूड के हवाले से टाइम की यूनिट सेकंड है, एसआई यूनिट, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में, KELVIN केल्विन. अच्छा, बाय द वे केल्विन के साथ डिग्री नहीं होता, सिर्फ केल्विन है ये. मास को केजी में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, मोल्स को मोल में ही करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में करते हैं, CED उसे कहते हैं. By the way, moles or intensity of light इतना commonly test नहीं होता physics में, लेकिन ये ऊपर के जो पांच हैं ये होते हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि vectors और scalars में difference क्या है. So basically, let's take an example over here. कि आपके पास एक block है and इस block को आपने एक horizontal flat surface पर रखा हुआ है. ठीक है, now this flat surface, if I apply some force, तो क्या होगा कि ये block कुछ distance cover करेगा. ठीक है, मैं इसको अगर इस पर कोई कुछ फोर्स लगाऊं. अच्छा, लेट्स से डिस्टेंस 5 मीटर का इसने कवर किया है. अब अगर मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई और आपको सिर्फ ये कह दिया कि सिर्फ 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इस ब्लॉक ने, ये 5 मीटर कहीं भी हो सकता है. दिस 5 मीटर कैन बी टू द राइट, कैन बी टू द लेफ्ट, कैन बी अप, कैन बी डाउन, कैन बी आउट ऑफ द पेज, कैन बी इन टू द पेज, एनी वे, राइट. प्लेन के बाहर भी आ सकता है, प्लेन के अंदर भी जा सकता है. तो अब अगर मैं डायरेक्शन की रेफरेंस ना दूं और बगैर डायरेक्शन के अगर मैं आपको सिर्फ ये नंबर दे दूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ब्लॉक इज 5 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड इज 5 मीटर, तो उस सूरत में हम इस नंबर को जिसमें डायरेक्शन का कोई रेफरेंस नहीं है उसको हम स्केलर कहेंगे. ठीक है, सो अगर मैं स्केलर को डिफाइन करना चाहूँ तो व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर इज बेसिकली एनी क्वांटिटी दैट ओनली हैज अ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड नंबर को कहते हैं. ठीक है, जो उसका न्यूमेरिकल नंबर होता है ना, जैसे इस केस में 5 डिस्टेंस का नंबर है, एड अ यूनिट. ठीक है, यूनिट SI यूनिट होता है कोई भी, जैसे इस केस में मीटर है, एंड कोई डायरेक्शन का रेफरेंस नहीं होता, नो डायरेक्शन. लेकिन
if I make it more specific by saying that it travels a distance of 5 meter to the right. So मैं बता रहा था कि अगर हम सिर्फ इस यूनिट की बात करें और इस नंबर की बात करें 5 meter, only the 5 meter, it would mean कि that's a scalar quantity without any reference to the direction in which it covered that distance. But if I say that it covered the same distance to the right hand side, it covered a distance of 5 meter to the right, in that case, I would be referring to a vector quantity. Okay, and इस तरह से अब इस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, सो अब इससे आपको काफी हद तक इनका फर्क पता चल गया होगा कि स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है. सो बेसिकली वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इंक्लूड्स अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन. ओके, डायरेक्शन इज अ मस्ट, दैट्स द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ वेक्टर. वेयर अ स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है, यही डिफरेंस है इन दोनों का. एप्टीट्यूड में डेफिनेशंस लिखने को तो नहीं आती, लेकिन एमसीक्यू ऑप्शंस में दे सकते हैं. ठीक है, ये डायरेक्शन वाला ये कॉमन एमसीक्यू पास्ट पेपर्स में आ चुका है. ठीक है, अब ये तो डिफरेंस भी हो गया और डेफिनेशन भी हो गई स्केलर्स और वेक्टर्स की. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ स्केलर्स एंड वेक्टर्स की यहाँ पर. अब स्केलर्स बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लेकिन वेक्टर्स काफी कम है कंपेयर टू स्केलर्स हमारे सिलेबस में. स्पीड, टाइम, distance and most of the quantities are scalars actually that we deal with. Voltage, speed, voltage, time, distance, energy, work, power, etc., etc., power, work. ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर्स ही है हमारे सिलेबस में. ठीक है, अगर आप खुद सोचें कि अगर आप कभी टाइम मेजर कर रहे हैं तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने 2 सेकंड टाइम मेजर कर दिया टू द राइट और टू द लेफ्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में. कभी नहीं. यू डोंट नीड टू रेफर टू द टाइम टू द डायरेक्शन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज. सो दैट्स व्हाई दीज आर ऑल कॉल्ड scalar quantities, because they are independent of the direction. So you can just give reference to these physical quantities without any reference to the direction. Therefore, they are scalars. So इस तरह से आपका scalar का concept थोड़ा सा बेहतर और हो गया होगा. अब scalars के बाद vectors की कुछ examples देख लेते हैं. Vectors की चंद examples हैं हमारे syllabus में. सबसे common example force है. आप force apply करते हैं तो आप किसी direction में apply करते हैं. For example, एक ऑब्जेक्ट है तो फोर्स आप इस पर या तो राइट पर लगाएंगे या तो ऊपर लगाएंगे या तो नीचे लगाएंगे, जो कि वेट होती है इसकी अपनी, या फ्रिक्शनल फोर्सेस पर कोई एक्ट कर रही होगी. ओके, फोर्सेस की डायरेक्शन होती है. इस तरह से डिस्प्लेसमेंट की बात हमने की थी. डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम बात करेंगे पोजिशन वैक्टर की. डिस्प्लेसमेंट कहते हैं डिस्टेंस विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस just traveled in a particular direction. Okay, the shortest directed distance between two points. And displacement hamesha kisi starting point se measure ki jati hai, kisi reference point, kisi origin se measure ki jati hai. Ab origin kya hai? Origin bhi basically ek reference point ko hi kehte hain jahan se wo motion originate kar raha hai. इसका कॉन्सेप्ट और ज्यादा डिटेल में हम तब करेंगे जब हम पोजीशन वेक्टर्स, जो कि वेक्टर्स की टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का जो टॉपिक है उसमें ये कवर हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है. ठीक है, अब फॉर नाउ द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दैट इट इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. सो फॉर इंस्टेंस दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट ए, दिस इज द सेकंड पॉइंट बी, तो आप ए से बी की तरफ कैसे जा सकते हैं. ये बी है. ठीक है,
ए से बी की तरफ कैसे जा सकते हैं, या तो आप यू जा सकते हैं, तो आप यू जा सकते हैं, या तो आप स्ट्रेट जा सकते हैं, राइट। बहुत सारे रास्ते हैं ए से बी तक पहुंचने के। अब इन सारे रास्तों की लेंथ डिफरेंट है, लेंथ ऑफ ईच पाथ इज डिफरेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज ओनली गोना बी द लेंथ ऑफ दैट पाथ व्हिच इज द शॉर्टेस्ट, व्हिच इज एक्चुअली द